नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉक जेड। अब एग्जाम्पल में क्लियरिफिकेशन नहीं हो तो ऑफ रेशनल फंक्शन या सिंपल फंक्शन, पर तमारे जहाँ सिंपल फंक्शन नो यूज न तो यहाँ तमारे रेशनल फंक्शन बनावानू थसे। चलो नाउ डिस्कस, एफ ऑफ जेड इक्वल टू कोक जेड। चलो मान लियो आने तमारे रेशनल फंक्शन नहीं कहव, सिंपल फंक्शन कहव छे, सॉरी मान लियो आने तमारे सिंपल फंक्शन कहव छे। चलो सिंपल फंक्शन क्यों, नो प्रॉब्लम, बट तमे पोल केवी रीतना फाइंड करशो? पोल फाइंड करवा माटे डिवाइड मां जे ना इक्वल टू 0 लेवो पड़े, तो हियर नो एनी डिवाइड बाय 1 છે, પણ 1 ઇક્વલ ટુ 0 લ્યો તેના ઉપરથી તો કાઈ પોલ ફાઇન થઈ નહીં શકે, એટલા માટે સિમ્પલ ફંક્શન થી આ એક્ઝામ્પલ થશે નહીં। ઓકે, કોક z ઇઝ રિટન એઝ cos z અપોન sin z, કોક ઇઝ રિટન એઝ cos અપોન sin z। ચાલો ક્લિયર, હવે એક 1 મિનિટ, કંઈક એરર છે मोबाइल में, कहीं कह रहे थे जो ही आप। चलो एफ ऑफ जेड इज कॉस जेड अपॉन साइन जेड इज कंपेयर विथ, हूँ रफ मत बताई गई, इज कंपेयर विथ एफ ऑफ जेड इक्वल टू पी ऑफ जेड अपॉन क्यू ऑफ जेड, देयरफॉर पी जेड इज कॉस जेड एंड क्यू जेड इज साइन जेड। हियर पी ऑफ जेड इज कॉस जेड एंड क्यू जेड इज साइन जेड। चलो क्लियर, फॉर पोल, चलो पोल में शू करी थी, डिवाइड में जे फंक्शन छे, डिवाइड में जे फंक्शन छे ना इक्वल टू 0 लेवानो, तो दिस इज फंक्शन, डिवाइड में शू आपेलू छे साइन, तो फॉर पोल साइन जेड इक्वल टू 0। चलो कम्प्लीट, આવી રીતે જ આપણે વર્ક કરી છે, sin z इक्वल टू 0, देयरफॉर z इक्वल टू sin इनवर्स 0, देयरफॉर z इक्वल टू, चलो sin ની કિંમત કયા એંગલ પાસે 0 થાય, sin 0 इज 0, sin pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, એટલે આવી રીતે હું યુનિક સર્કલ ડ્રો કરું, સપોઝ ધીસ ઇઝ યોર यूनिक सर्कल एंड दिस पॉइंट इज 10, दिस पॉइंट इज -10, दिस इज 01, दिस इज 0-1। फर्स्ट विल यू कोस नी डिनो कर से, सेकंड साइन, हियर आल्सो सेकंड विल यू फॉर साइन, दिस एंगल इज 0 पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, और 0 साइन ની વેલ્યુ કે આ બંને જગ્યાએ છે, એંગલ કે આવે 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई થશે આટલું। ઓકે, એ જ રીતના નેગેટિવ વિચારો જો, રિવર્સ પ્રોસેસ, 0 माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, એટલે સાઇન ની વેલ્યુ કયા એંગલ પાસે 0 થાય, 0 પાસે પાઈ, 2 પાઈ, 3 પાઈ, 4 પાઈ, 5 પાઈ એન્ડ સો ઓન, એ જ રીતના માઇનસ પાઈ, માઇનસ 2 પાઈ, માઇનસ 3 પાઈ, માઇનસ 4 પાઈ, તો હું લખી શકું z ઇક્વલ ટુ n પાઈ, વહેર n બિલોન્સ ટુ z, z મીન્સ 0 પોઝિટિવ નેગેટિવ, 0 1 2 3 4 એ જ રીતના -1 -2 -3, એટલે બધી વેલ્યુ તમારે લખવાની થશે। ચલો z 0 ઇઝ પોલ, એટલે z ની જે વેલ્યુ આવે એને જ આપણે શું કહી છે, પોલ કહી છે, z 0 ઇક્વલ ટુ n pi, n ઇઝ સિમ્પલ પોલ। चलो z 0 इक्वल टू n पाई पोल छे, पण ई केवी पोल हशे, सिंपल पोल, कई रीतना खबर पड़े, साइन नो पावर केटलो छे,
वन थे अटले सिंपल पर जो डिवाइड में साइन स्क्वेर आप तो सेकंड ऑर्डर पर साइन क्यूब हो तो थर्ड को अलग तुमने खबर पड़े कि जेड जीरो इज एन पाई नहीं डेज सिंपल पर तो नाउ रेसिड्यू ऑफ पी ऑफ जेड अपॉन क्यू ऑफ जेड एक जेड जीरो मोबाइल में कहीं की एरर छे इक्वल टू पी ऑफ जेड जीरो अपॉन क्यू डैश जेड जीरो चलो रेडी नाउ पुट द वैल्यू पी ऑफ जेड इज कॉस जेड क्यू जेड इज साइन जेड कॉमा जेड जीरो इज एन पाई इक्वल टू पी ऑफ जेड जीरो हवे खास जोजो पी जेड नी कोनी पासे वैल्यू जेड जीरो पास आउट पण कही सकूं ने पी ऑफ एन पाई अपॉन क्यू डैश एन पाई भले आपने एक्सकेप वधु लखीए चलो क्लियर तो रेसिड्यू ऑफ कोस अपॉन साइन इज रिटन एज कॉक जेड कॉमा एन पाई इक्वल टू चलो पी ऑफ एन पाई जोजो अपनी पास रफ में समझाई दू सीम्पल पी ऑफ जेड इज कॉस जेड बट जेड इज एन पाई देर फोर पी ऑफ एन पाई इज कॉस एन पाई चलो दिस इज कॉस एन पाई चलो डेरिवेटिव ऑफ क्यू डैश क्यू ऑफ जेड इज क्यू जेड इज साइन जेड यस और नो डिस्प्ले ऑफ थी गई है मेरे चलो क्यू जेड इज साइन जेड देयरफॉर क्यू डैश जेड इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस जेड तो कोनी पासे जो इच एन पाई पासे तो क्यू डैश एन पाई इज कॉस एन पाई चलो कम्प्लीट आटलू रफ में बताई दियो तो चाल मीन्स के एग्जाम में बताने जरूर नहीं डायरेक्ट तो क्यू डैश एन पाई इज cos n pi therefore residue of cot z n pi equal to cos n pi upon cos n pi is 1 એટલે આપણે અહીંયા જે કોક ની સિમ્પલ પર પાસે રેસિડ્યુ શું થશે 1 થશે રેડી આ ડાયરેક્ટ તમે લખી શકો આનો બતાવો તો ચાલે એટલે તમને ઓકમે કે ત્રિકોણમિતિ ફંક્શન હોય ને એટલે અહીંયા રેશનલ ફંક્શન યુઝ કરવાનું થશે ચાલો કમ્પ્લીટ